मनरेगा को लेकर बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आती रहती है, मगर फिर भी मनरेगा योजना से जुड़े कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। नागौर जिले के टिटवाणा पंचायत समिति क्षेत्र के पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक पर भी ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया है। इसके साथ ही टिटवाणा पंचायत समिति के आगुंता ग्राम पंचायत में फर्जी तरीके से मस्ट्रोल ने नाम दर्ज कर कई लोगों के नाम फर्जी हाजिरी दिखाकर पैसों का गबन किया गया है, जिसमें दूसरी शादी कर वर्षों पहले जाने वाली महिला और प्रवासी श्रमिक शामिल है, जो मस्ट्रोल में दर्ज तारीख में यहां नहीं थी। उनका पैसा उठाकर सरकारी राशि का गबन किया गया। वहीं टाका निर्माण में भी भ्रष्टाचार करके 3,60,000 की राशि दो टाकों में बिना मेड़बंदी किए उठाकर गबन करने का आरोप है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि ऐसा ग्राम पंचायत में दर्जनों लोगों के साथ हुआ। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा गोचर भूमि पर बिना कटाने रास्ते के ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाकर गोचर भूमि को नुकसान पहुंचाया और यहां सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। वहीं ग्राम पंचायत में निर्मित सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर गड़बड़ी की गई। बिना नालियों के निर्माण किए भुगतान उठाया गया। गांव में आज भी पानी सड़कों पर बहकर बाहर आ रहा है। सीएम पोल सहित एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद डीजीओ अर्चना मौर्य ने एक जांच दल गठित कर मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाकर गबन की राशि सरपंच और ग्राम सेवक से वसूलने की बात कही है। वहीं एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और गबन के आरोपियों को सरकारी राशि वसूल जमा करवाई जाएगी, साथ ही गरीबों के नाम से जो हुए मनरेगा कार्य फिर से हो सकेंगे। नहीं माँ का वो सरपंच रहा कर सरपंच कर भाई ग्राम पंचायत आगुंता में बाहर रहने वाले लोगों के फर्जी तरीके से नाम चलाने के आरोप लगाए गए हैं, तथा जो टाके हैं उनके सर में मेड़बंदी का काम है वो पूरा नहीं हुआ, इस तरह के आरोप लगे हैं। इसमें हमारे द्वारा जांच कमेटी गठित की कर दी गई है, जिसमें सहायक अभियंता हैं, सहायक विकास अधिकारी हैं और यहाँ से जो लेखा की टीम है उसको लगाया गया है। विस्तृत जांच है जिसको करने में लगभग 7-8 दिन का समय लगेगा और जांच रिपोर्ट उसके बाद ही मेड़बंदी का पैसा सरपंच और ग्राम से उठा रखाएगा। जी सर, इसमें टांका 2018 में बनाया गया और यहाँ पे मेड़बंदी होनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार ये तौर से ये यहाँ धरातल पर किसी भी प्रकार की मेड़बंदी नहीं की है और जो आदमी यहाँ पे है नहीं उनके फर्जी हाजिरी भर के यहाँ मेड़बंदी के पैसे गबन कर लिए सरपंच और ग्राम सेवक ने। कितने राशि का गबन हुआ है दोनों टांकों में? जी 1,80,000 का दोनों टांकों पे। इसको लेकर आपने क्या कहाँ तक जांच की मांग की है, किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं? जी मैंने यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक जयपुर, दिल्ली और नागौर, संभागीय आयुक्त अजमेर, जिला कलेक्टर नागौर और यहाँ विकास अधिकारी डीडवाना, यहाँ सभी पे शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम?